दोस्तों मेरा वैसे तो रेगुलर टेक न्यूज अपडेट देने का प्रॉमिस था, पर क्या करो, थोड़ा आदत से मजबूर हो। अपने इस ऑनलाइन लाइफ से थोड़ा हटके मैं रियल लाइफ में थोड़ा ज़्यादा ही घुस चुका था। कुछ चीज़ें चल रही थी, उठपटांग हरकतें हो रही थी लाइफ में, कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे थे ऑफलाइन वाले जिन्हें मैं हैंडल कर रहा था। और हाँ, थोड़े टाइम बाद, मतलब थोड़ा टाइम तो बोल नहीं सकते, बहुत टाइम बाद सब सॉर्ट आउट हो चुका है। लाइफ एकदम अभी मज़े में चल रही, एकदम फ्रीली चल रही है। फिर याद आया मुझे अपना यूट्यूब भी है जिस पे मुझे ध्यान देना है। सो, आज मैं जैसे उठा, टेक न्यूज़ देखी मैंने, आपके लिए बहुत से टेक न्यूज़ मैंने कलेक्ट की, अच्छे अच्छे वाली, कुछ थी बकवास जैसे दिखाने लायक थी नहीं। सो, स्टार्ट करते हैं यार आज की सबसे पहली टेक न्यूज़। सो दोस्तों, रियलमी के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट माधव सेठ जी ने हाल ही में टीज किया है अपना रियलमी मिनी कैप्सूल। जी हाँ, यही कुछ नाम है, जो कि इंस्पायर्ड है आईफोन के डायनेमिक आइलैंड से। जी हाँ, इंस्पिरेशन कहो या कॉपी कहो, दोनों एक ही है, लगता तो सब सेम ही है। जब लॉन्च होगा तब देखा जाएगा, लेकिन ये जल्दी आने वाला है हमें Realme C सीरीज के फोन्स में, जो अभी लॉन्च होने लिए। और हाँ, साथ ही में उन्होंने ऐसा भी कहा है कि हाँ, Realme के सारे बजट फोन्स में ये वाले डायनामिक आइलैंड, जो इन्होंने नाम दिया Realme कैप्सूल, Realme मिनी कैप्सूल, फक ऑफ क्या नाम दिया, आने वाला है। सो, आपका क्या कहना है, आप यूज़ करना चाहते हो मिनी कैप्सूल? जो भी है, देखने के लिए तो इंटरेस्टिंग है, अब देखते हैं कैसा ऑप्टिमाइज होता है एंड्रॉयड फ़ोन्स में। बजट फ़ोन्स मतलब लो एंड प्रोसेसर, थोड़ा एवरेज प्रोसेसर रहता है, कैसे ऑप्टिमाइज हो जाता है, कैसे वर्क करता है, स्मूथनेस है कि नहीं उसमें। साथ ही में Realme C फोन्स बूटलोडर के साथ आने वाले हैं। और दोस्तों, आप बूटलोडर के बारे में कितना जानते हैं मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। और हाँ, बूटलोडर के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो आपको चाहिए, वो भी नीचे कमेंट में बताएगा, मे बी मैं बनाऊंगा। वैसे तो बूटलोडर के बारे में 99% मोबाइल फ़ोन यूजर्स जानते हैं, कुछ है जेम्स जो नहीं जानते, और जो जानते हैं उन्हें डिटेल में स्टडी चाहिए, तो वीडियो आने वाली है जल्दी बूटलोडर के बारे में। यार फिर से बाल मेसी हो रहे, ऐसा ही होता है जब शूट करने लगता हूँ, हेडफोन्स का कमाल। बिटवीन दोस्तों, दूसरी टेक न्यूज़ कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है नहीं, क्योंकि बस एक छोटी सी इमेज लीक हुई है। वन प्लस 11 के एक कंसेप्ट है, जो उसका बैक साइड जो है मोबाइल फ़ोन का, वो वाली इमेज है जो लीक हो चुकी है, और आप भी अपने विंडो पे देख सकते हैं उस इमेज को। सो, आपको कैसा लग रहा है वन प्लस 11 का जो कंसेप्ट लुक है, जो भी है आपके विंडो पे है, देखा जाएगा ये वाली लीक एक्चुअली में सही निकल के आती है या नहीं। Stay tuned. दोस्तों, देखने में OnePlus 11R कुछ वाइब दे रहा है, नथिंग फोन वन की, मतलब पूरी तरीके से नहीं है, पर थोड़ी थोड़ी वाइब तो आ रही है कि OnePlus अब नथिंग फोन से भी थोड़ी थोड़ी इंस्पिरेशन ले रहा है। एक्चुअली ये सारे स्मार्टफोन एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते रहते हैं और नए नए फोन्स बनाते रहते हैं। सो, कीप साइड। और बात हो रही थी नथिंग फोन वन की, तो अब नथिंग फोन टू की भी एक कंसेप्ट बाहर आ चुके हैं, और ये है आपके मेन स्क्रीन पर। दोस्तों, मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ, आगे की जो दो टेक न्यूज़ है एक या दो दिन पुरानी न्यूज़ है, पर फिर भी है इंटरेस्टिंग, इस वजह से मैं उसे इस वीडियो में रैप अप करने वाला हूँ। अगर आपने उस न्यूज़ को किसी और चैनल पे देखा रहेगा, फिर भी आप देखिएगा, और मे बी आपको कुछ एडिशनल चीज़ें पता चले, और प्लीज़ डोंट हेट मी फॉर दिस। सो व्यूअर, आपने वीवो Y56 5G फ़ोन की कुछ स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे क्लियर कर दिए, जो कि है अपने विंडो पे। कुछ अमिताभ बच्चन वाली वाइब आ रही है केबीसी के जैसा। तो अगर मैं स्पेक्स की बात करूँ तो 6.58 इंच की फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले है। LCD डिस्प्ले गाइज, आजकल AMOLED के ज़माने में LCD चलिए चलता है। MediaTek Dimensity 700 का प्रोसेसर, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो रियर कैमरा। 8GB की LPDDR4X रैम है, जो एक्सपांड करके और भी आप बढ़ा सकते हैं। 128GB की UFS 2.2 स्टोरेज है, स्टोरेज को आप 1TB तक एक्सपांड कर सकते हैं, और अच्छा है। 5000 mAh की बैटरी है, जो 18W चार्जिंग की सपोर्ट के साथ आता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, एंड्रॉयड 13 के साथ आने वाला है, फन टच OS 13। IP54 की डस्ट और वाटर रेसिस्टेंसी है इसमें। अगर प्राइसिंग की बात करो तो 8GB 128GB वाला जो वेरिएंट है हमें अराउंड 20,000 के करीब मिलने वाला है। सो, बजट फ़ोन तो नहीं लग रहा, स्पेक्स देख के थोड़ा ओवर प्राइस लग रहा है इस बजट में। हमें शायद से AMOLED डिस्प्ले तो मिलना ही चाहिए था,
फिर भी देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स होता है इस फोन का और मार्केट में क्या धूम मचाता है वाला फोन, देखेंगे हम। दोस्तों मैंने दूसरी टेक न्यूज जो आपको बताई थी ओल्ड वाली थी, उसे मैंने पूरी तरह से स्किप किया है क्योंकि थी ही कुछ ऐसी बकवास घटिया। Xiaomi 13 Pro स्मार्टफोन के बारे में थी जिसकी प्राइसिंग थोड़ी सी बढ़ चुकी है आई थिंक सो उस न्यूज़ के हिसाब से। और जैसा कि आप जानते हैं Xiaomi सॉफ्टवेयर के बारे में iPhone से इंस्पिरेशन लेते हैं बहुत हद तक, वैसे आप प्राइसिंग के साथ भी इंस्पिरेशन ले रहा है iPhone से, मतलब प्राइसिंग दिन ब दिन हर एक स्मार्टफोन के साथ उनकी प्राइसिंग बढ़ती हुई जा रही है और आने वाले टाइम में शायद नेक्स्ट आईफोन बनने की कोशिश कर रहा है Xiaomi, सो स्किप इट। और मैं आगे के न्यूज़ में आ रहा हूँ। सो Motorola Razr 2023 के कुछ लीक्स एंड रूमर्स बाहर निकल के आए हैं जो कि है यहाँ पे आपके मेन विंडो पे। सो अगर मैं स्पेक्स की बात करूँ तो इसकी 6.7 इंच की 1080x2400 रेजोल्यूशन के साथ PoLED डिस्प्ले आती है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। और अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो ये वाला डिवाइस Snapdragon 8 Plus Gen 1 चिपसेट के साथ आता है। और हाँ दोस्तों, Razr के फोन थोड़े महंगे जरूर होते लेकिन यहाँ पे कैमराज अभी भी दो ही है, जहाँ पे हमें बजट फोन में ट्रिपल कैमरा क्वाड कैमरा तक मिल रहे हैं लेकिन यहाँ पे अभी भी दो फोन पे अटका पड़ा है Motorola Razr फोन्स। अगर मैं कैम्स की बात करूँ तो 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा OIS सपोर्ट के साथ आता है और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। फ्रंट की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और ये वाला फ़ोन 4000 mAh की बैटरी के साथ आता है। और अभी इसके चार्जर कौन सा होने वाला है इसका, उसके बारे में कोई डिटेल है नहीं, जितनी भी डिटेल है आपके सामने है। सो सुन रहे हो, मतलब जब मुझे रिकॉर्डिंग करनी है तभी ये सब हरामी यहाँ पे आके चिल्लाते हैं। सो दोस्तों, मेटा वेरीफाइड सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लू वेरीफाइड बैज, साथ ही में आपको मिलेगा एक्सक्लूसिवली स्टिकर्स पैक इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए। यहाँ पे आपके जितने भी इंस्टाग्राम रील्स पोस्ट जो भी है यहाँ सारे रिकमेंड किए जाएंगे इंस्टाग्राम के रील्स पेज पे और एक्सप्लोर पेज पे। आपके जितने भी कमेंट्स है सबको आप सेपरेशन कर सकेंगे और साथ ही में सबसे बड़ा फीचर कस्टमर सपोर्ट मिलने वाला है, जिसके लिए आप मरे जा रहे हो भाई, आपको कस्टमर सपोर्ट मिलेगा इंस्टाग्राम मेटावर्स की तरफ से। सॉरी जनाब, आप ये प्लान सिर्फ पैसे गिन के नहीं ले सकते, इसके लिए उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है और एक क्राइटेरिया कुछ ऐसा है, यूजर अकाउंट कोई बिजनेस अकाउंट नहीं होना चाहिए, साथ ही में आपकी उम्र 18 साल से बड़ी होनी चाहिए, साथ ही में आपकी कंप्लीट प्रोफाइल होनी चाहिए आपके फेस पिक के साथ, और इनकी जो मिनिमम एक्टिविटी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए, साथ ही में आपके गवर्नमेंट के थ्रू इशू की हुई जो भी आईडी है आपकी, मतलब वोटिंग आईडी, पैन कार्ड या आधार कार्ड, उसका कोई एक डॉक्यूमेंट आपको प्रूफ देना पड़ेगा, तब जाके आप मेटा प्रीमियम का ये प्लान जो भी है ले सकते हो। सो दोस्तों, आजकल जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जैसे ट्विटर, टेलीग्राम, एग्जाम आने में पूरी तरह फ्री थे और अच्छी खासे चलते थे, आजकल इन्होंने अपने प्रीमियम प्लान्स लाए हैं और फ्री भी चलते हैं, लेकिन फ्री वाले प्लान्स और प्रीमियम प्लान्स में काफ़ी डिफरेंस है। अभी तो इंस्टाग्राम भी इस रेस में दौड़ने वाला है। सो आपका क्या करना है, आपके जितने भी काम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चलते थे वो फ्री वर्जन में अभी भी चलते हैं या आप प्रीमियम वर्जन लेके उन्हें इस्तेमाल करते हैं, मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। अगर मैं जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करता हूँ उनके एवरेज में मंथली चार्जेस कॉस्ट करूँ तो मुझे अराउंड $30 या $40 आ रहा है, मतलब मुझे 2500 से 3000 ही इन्हें अडॉप्ट करने के लिए खर्च करने पड़ रहे हैं। वैसे तो मेरा काम टेलीग्राम पे फ्री वाले वर्जन में ही चलता है, उतना कुछ मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ट्विटर में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, अब से इंस्टाग्राम भी कम करूँगा शायद से, लेकिन हाँ है कुछ तो इन प्रीमियम प्लान्स में अच्छा खासा।